हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। तो आज का वीडियो, किसी ने बहुत पहले बोला था कि आप मुझे साड़ी ड्रेप करना बताओ, इसका वीडियो लाओ, इसका वीडियो लाओ। उन्होंने काफ़ी बार मुझसे कमेंट सेक्शन में बोला, बट पता है किसी रीज़न से वो हो नहीं पाया। और फिर मैं बहुत लंबे गैप के बाद अब फिर से शुरू किया है, तो मैंने कहा क्यों नहीं सबसे पहले उनकी डिमांड फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि हमारे हर फैमिली मेम्बर इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप बोलोगे वो हर कुछ होगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे शुरुआती दौर में अगर आप सीख रहे हो साड़ी ड्रेप करना, तो मैं कहूँगी आप शेपर का यूज़ करो, ना कि पेटीकोट का। कुछ एक्सेप्शन केस हो सकते हैं जहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है उस कलर का शेपर, तो कोई बात नहीं। अदरवाइज शुरुआत उसी से करो, बहुत अच्छी पूरी फिगर आती है, साड़ी काफ़ी अच्छे से ड्रेप होती है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है इसमें। लोगों को मिथ है कि नहीं सेफ्टी नहीं होती, मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ और मैं ज़्यादा शेपर ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम ही जगह मैं पेटीकोट का यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आपने पेटीकोट ले लिया, ठीक है, वो पहना। अब आप क्या करते हो, आपको लगता है, मतलब शुरुआती दौर में लोगों को ये नहीं पता होता कि किस तरफ से शुरू करना है साड़ी को, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी वही होता है ना, करत करत अभ्यास, समथिंग समथिंग कुछ है तो हो जाता है, तो वही है। जहाँ से फॉल लगी हो, इतनी चौड़ा सा एक फैब्रिक होता है वो साड़ी में लगता है, उसे फॉल बोलते हैं। तो वो जो फॉल जहाँ से लगना शुरू होता है वहाँ से, तो आगे आप देख रहे हो कि अपने दाएं तरफ से मैं टकिंग करना शुरू कर रही हूँ, अंदर की तरफ से, जैसा कि आप देख रहे हो उसमें मैं कर रही हूँ, अंदर की तरफ से टकिंग करी हो। और उससे पहले आप अगर जूतीज डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जूतीज में तो हील्स होती नहीं है, तो उसमें कोई इशू नहीं। अगर आप हील्स पहन रहे हो तो पहले आप हील्स डाल के साड़ी ड्रेप करना। तो अब आप क्या करो, वहाँ से टकिंग करना शुरू करो और ऐसे टकिंग करते करते पूरे एंड तक लेके जाओ, ठीक है। अब एंड तक लेके जाओ और टकिंग काफ़ी क्लीन करना, ताकि आपको आगे रिजल्ट अच्छे मिलें, ठीक है। मतलब पूरी जब साड़ी ड्रेप हो तो अच्छे से हो, तो पूरा अच्छे से टकिंग करो और पूरे तरफ देख लो कि सारी लेंथ एक बराबर ही है, ना बदल हो, कहीं से आपने फैब्रिक ज़्यादा टकिंग कर लिया, कहीं से कम है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपने जब टकिंग कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपका ये जो बहुत सारा फैब्रिक बचा रह गया उसमें आपको सबसे पहले अपने पल्लू को लाना है, ठीक है। आप पल्लू लेके आओ और इस तरीके से पीछे से घुमाते हुए अब अपने शोल्डर पे रख लो, और शोल्डर के बाद अब आप लेंथ का देख लो कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। अब मेरा क्या होता है, मैं लेंथ ज़्यादा रखती हूँ कुछ, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस लेंथ को रख लो। अब आप जब देखो कैसे लेके आप जा रहे हो, तो आपके पास फैब्रिक बचा होगा, ठीक है। अब आपको उसकी प्लेट्स बनानी है, तो सबसे बड़ी महाभारत होती है प्लेट्स बनाने की, जो कि मुझे अब करते करते आ गया है, पहले नहीं आता था। अभी भी कई बार कुछ होती है, जैसे शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो फिसलती रहती है तो हो नहीं पाते। तो आपको अब प्लेट्स बनानी सीखनी है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं कैसे प्लेट्स बना रही हूँ, जो भी चल रहा है, बट उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ये फैब्रिक है, ठीक है, अब आप फैब्रिक को ऐसे करके पकड़े हो, इस छोर अब ऐसे करके पकड़ो, देखो ये अटकाएगा, ये सपोर्ट बनानी चली जानी है। और जब आप प्लेट्स बना रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप प्लेट्स को ना ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक, मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, है ना, वैसे बनाते हुए जाते हो ना, पर ऐसे करके जितनी भी प्लेट्स, और कोशिश करो कि थोड़ी चौड़ी बनाओ, क्योंकि जब आप छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हो ना, तो आगे जब आते हैं वो बहुत फूला फूला लगता है और वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेट्स बना लो, फिर उसके बाद आप उसे देख लो कि कितनी लेंथ है, फिर उसके बाद उस हिसाब से थोड़ा सा फैला के टकिंग कर लो, ठीक है। तो जब आप टकिंग कर लेते हो, तो उसके बाद आप सबसे पहले क्या करो, जो आपने प्लेट्स बनाई हैं उसको सही कर लो धीरे 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 धीरे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप कभी भी इरिटेट मत होइएगा, पहली बार में किसी को भी नहीं आ जाता है, ठीक है। और जिन्हें आ जाता है तो भाई वो तो जीनियस होंगे, फिर मुझे भी बहुत टाइम लगा तब जाके इस तरह का परफेक्शन आ पाया है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी परफेक्टली ड्रेप नहीं कर पाती हूँ। तरीके से प्लेट्स को पकड़ पकड़ के आपको
एक साथ लाना है, उसके बाद पिनअप करना, और पिनअप हमेशा थोड़ा ऊपर रखिए, बिल्कुल नीचे नहीं, ताकि जब अगर आप प्लेट्स बनाओ ना तो भी वो ना दिखे, और ओपन रखोगे तो नहीं दिखती, बट प्लेट्स बनाओ तो वो दिखती हैं। तो इसका ध्यान रखें कि पिनअप आप ऊपर करो, ठीक है। आप पिनअप हो गया, बस सिंपल है। अगर आप पल्लू ले रहे हो, खुला पल्लू लिया है, तो कुछ भी नहीं, खुला पल्लू लेके जाओ और यहाँ पे पिनअप कर लो, ठीक है। और अगर आप प्लेट्स बनाते हो तो अब आपको होगा कि आपने तो मुझे प्लेट्स बताया नहीं, तो अभी आप ये वाला हाथ तक का स्टेप देखो, और आगे मैं दूसरा पार्ट ले आऊँगी इसका, जब आपको मैं उसमें सिर्फ प्लेट्स बनाना सिखाऊँगी, ठीक है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया हो आपको समझ भी आया हो, और आप मुझे ज़रूर बताना जब भी आप ट्राई करते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे स्टाइल बाय भूमिका के नाम से, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको आईडी कहीं दिख जाएगी दाएं बाएं, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करना और टैग करना ज़रूर, जब भी आप कभी ड्रेप करो, और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।